हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर जयश्री डावरे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेंटोज फ़ॉस्फेट पाथवे पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उसी का ही सब बात है पेंटोज फ़ॉस्फेट पाथवे इंट्रोडक्शन पेंटोस्फोसवे पाथवे इज एन इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव रेस्पिरेटरी पाथ विच इन्वॉल्वस नीदर ग्लाइकोलाइसिस नॉर क्रेबसाइकल यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन के लिए यह एक ऑल्टरनेटिव पाथ है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का यह पाथवे लिवर लेक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड एड्रेनल कॉटेक्स और एडिपोज टिश्यूज में पाया जाता है इस ऑल्टरनेटिव पाथवे के कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं जैसे इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एन ए डी पी एच फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स इन मेंटेनिंग रिड्यूस ग्लूटाथायोन फॉर एंड एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी इट हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग राइबोज़ फॉर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन ग्लाइकोलाइसिस की तरह ही इस पाथवे की सारी रिएक्शंस फ्री सेलुलर साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में ही होती हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को कभी कभी फॉस्फो ग्लूकोनेट ऑक्सीडेटिव पाथवे भी कहा जाता है यह पाथ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को ऐसी रिएक्शंस द्वारा मेटाबोलाइज करता है जो ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शंस को बाईपास करते हैं इसलिए इसे हेग्जोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं दिस पाथवे वॉज डिस्कवर्ड बाय ओटो वॉरबर्ग इन नाइनटीन थर्टी द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस ऑफ दिस साइक्लिक पाथवे में बी डिवाइडेड इंटू टू फेजेस इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं इसको हम दो फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं वो है पहला ऑक्सीडेटिव फेज और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज यहाँ पर हम दोनों फेजेस को अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे और यहां डायग्राम में उसके दौरान होने वाली रिएक्शंस को दर्शाया गया है सबसे पहले हम लेंगे ऑक्सीडेटिव फेज पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज में ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से दो एन और एक राइबोज फाइव फॉस्फेट बनते हैं इस दौरान होने वाले सभी रिएक्शंस को हम वापस से स्टेप वाइज चलेंगे तो साथ थोड़ा सा आसान होगा हमें समझने के लिए स्टेप वन हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन पर डिहाइड्रोजिनेशन से स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट हो रहा है कार्बन वन पर डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा यह रिएक्शन स्टार्ट होती है यह रिएक्शन ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा कैटेलाइज की जाती है और इस रिएक्शन में एनएडीपी हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में काम करता है और इसमें एन एच प्लस एच बनता है इस रिएक्शन के दौरान बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट होता है सिक्स फोस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन क्या है फर्स्ट स्टेप का फाइनल प्रोडक्ट सिक्स फोस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एरो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है स्टेप सेकंड लेते हैं यहाँ पर जो ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसमें वाटर के एक मॉलिक्यूल के एडिशन से लेक्टोन इज हाइड्रोलाइज टू सिक्स फोस्फो ग्लूकोनेट बाय लेक्टोनेज। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ वाटर के मॉलिक्यूल के एडिशन से लेक्टोन का हाइड्रोलाइज्ड लेक्टोन हाइड्रोलाइज होकर बनाएगा सिक्स फोस्फो ग्लूकोनेट एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है लेक्टोनेज स्टेप थ्री में हम चलेंगे अब जो हमारे पास सिक्स फॉस्फो बना था इसका ऑक्सीडेटिव डी हो जाता है विद हेल्प ऑफ द एंजाइम सिक्स फोस्फोग्लुकोनेट डी हाइड्रोजेनेस और बनता है राइब्यूलोज फाइव फोस्फेट दिस एंजाइम ये जो एंजाइम अभी काम में आया है हमारे दिस एंजाइम रिक्वायर्स मैंगनीस एंड अर्दर डायवरेशंस यहाँ पर एनएडीपी वापस इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के रूप में काम करता है और एक एन और एच जनरेट होता है यदि हम लाइन डायग्राम के द्वारा समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं तो ये ज्यादा इजी और कंफर्टेबल मेथड होता है नाउ कम्स दॉन नॉन oxidative phase of the pentose phosphate pathway oxidative phase mein banne wala ribulose 5 phosphate is the substrate for two enzymes first ribulose 5 phosphate is isomerized to ribose 5 phosphate by the enzyme phosphopentose आइसोमेरेज और इसमें बनने वाला प्रोडक्ट इज यूज फॉर न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस ये जो राइबोज यहाँ बना है उससे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है सेकेंड ऑप्शन हो सकता है राइबुलोज फाइव फॉस्फेट, जाइलुलोज़ फाइव फॉस्फेट में भी एपीमेराइज हो सकता है बाई द हेल्प ऑफ दी एनजाइम फॉसफोपेंटोज एपीमेरेज एनजाइम तो जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑक्सीडेटिव फेज़ में रेबोलोज फाइव फॉस्फेट बना था उसका आइसोमेराइजेशन भी हो सकता है और आइसोमेराइजेशन के बाद वो बनाता है राइबोज फाइव फॉसफेट उसका एपीमेराइजेशन भी हो सकता है जिसमें वो बनाता है जायलोलोज फाइव फॉसफेट अब दो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं दो पेंटोज फॉस्फेट्स हमारे पास हैं ये दो पेंटोज फॉस्फेट्स क्या हैं जेलुलोज फाइव फॉस्फेट और राइबोज फाइव फॉस्फेट ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बनाते हैं एक ट्रायोज फॉस्फेट ये ट्रायोज फॉस्फेट क्या है ग्लिसलडियाइड थ्री फॉस्फेट और साथ में एक बनता है एक हेप्टोज फॉस्फेट हेप्टा मतलब सेवन युक्त हेप्टोज फॉस्फेट जिसका नाम है सीडो हेप्टुलोज सेवन फॉस्फेट इस स्टेप को हम वापस रिपीट कर लेंगे राइबुलोज फाइव फॉस्फेट से बनने वाला राइबोस फाइव फॉस्फेट और इसके एपिमेराइजेशन से बनने वाला जयलोलोज फाइव फोस्फेट आपस में इंटरेक्ट करके बनाते हैं एक ट्राइज फॉस्फेट मतलब तीन कार्बन युक्त ट्राइयोज फॉस्फेट का एग्जाम्पल है ग्लिस्टरलडियाइड थ्री फॉस्फेट और एक हेप्टोज फॉस्फेट हेप्टोज फॉस्फेट का एग्जाम्पल है सीडो हेप्टूलोज सेवन फॉस्फेट ये बनाते हैं और इसमें एंजाइम जो काम में आता है वो है ट्रांस कीटोलेज। अब जो ऊपर दो प्रोडक्ट्स हमारे पास बने हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट और सीडोहेप्च्यूलोज सेवन फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करके एक फोर कार्बन शुगर जिसका नाम है एरिथ्रोज फोर फॉस्फेट और एक सिक्स कार्बन शुगर जिसका नाम है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनाते हैं यहाँ डायग्राम के द्वारा आप आराम से समझ सकते हैं इसको ग्लिसरल एल्डियाइड थ्री फॉस्फेट और सीडो हेप्टिलोज सेवन फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करके एक तो फोर कार्बन शुगर का जिसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोस फोर फॉस्फेट और एक सिक्स कार्बन शुगर जिसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनाते हैं दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाय ट्रांस एल्डोलेस यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है लाइन डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं एल्डिहाइड के, के बाद आपको दिखाई दे रहा है एरिथ्रोस फॉस्फेट और एरिथ्रोस और फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट उसके बाद एरिथ्रोस फोर फॉस्फेट अब जैलुलोज फाइव फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर में देखिए एरेथ्रोस फोर फॉस्फेट अब जैल्यूलोज फाइव फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट और ग्लिस थ्री फॉस्फेट का सिंथेसिस करता है दिस रिएक्शन इज अगेन कैटेलाइज बाय कीटोलेज एंजाइम अब जो ये ऊपर थे दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने हैं एरेथरोज फोर फॉस्फेट और जयलोलोज फाइव फॉस्टेट फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से तो बन गया है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट और ग्लिसट थ्री फॉस्फेट अब ये जो लास्ट प्रोडक्ट्स हैं दीज मॉलिक्यूल्स आर ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स ये जो दो लास्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास बचे हैं फ्रक्टोज और ग्लिसट थ्री फॉस्फेट दीज आर द ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स and can be converted back into glucose which can of course be used for synthesis of glycogen energetics of hexose monophosphate shunt इस पाथवे में हाइड्रोजन एटम्स के फोर ट्वेल्व पेयर्स इवेंचुअली ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं हाइड्रोजन एटम्स के ट्वेल्व पेयर्स ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं जिसके फलस्वरूप थर्टी सिक्स ए बनते हैं इनमें से एक एटीपी फ्री ग्लूकोज को के एक मॉलिक्यूल को ग्लाइलूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए लग जाता है कहा खर्च हुआ रहा है हमारी एनर्जी फ्री ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्टिंग वो है स्टेप है उसके कन्वर्ट करने के लिए लग जाता है तो हमारे पास नेट यील्ड ऑफ एटीपी होता है थर्टी फाइव ए टीपी जो कि पूरे ग्लाइकोलिस क्रैप साइकिल के दौरान जो यील्ड होती है थर्टी एट ए के काफी नजदीक है सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पाथवे

सिंथेसिस के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं दूसरा इसका सिग्निफिकेंस है इट प्रोवाइड्स एनएडीपीएच पी एच मॉलिक्यूल्स विच हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ एनएडीपीएच एच मॉलिक्यूल एनएडीपीएच एच भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इट हेल्प्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स सर्टेन अमीनो एसिड्स इन्वॉल्विंग द एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस इसके अलावा ये काम आते हैं एंटी रिएक्शंस में भी ग्लूटाथायोन मेडिएटेड रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड इसमें भी काम आते हैं कई ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये काम आते हैं एंड ऑल्सो यूज आर हेल्पफुल इन द इंटीग्रिटी ऑफ द आरबीसी मेम्ब्रेन इसके साथ ही हमारा पेंटोजफॉस फॉस्फेट का पाथवे ख़त्म होता है थैंक यू